और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, घातक नहीं था जब मायावती जी ने 2.5 साल राज करके, जब 2.5 साल मैं सोच रहा हूँ कि धर्म में बाबा साहब का संविधान आपके ऊपर लागू नहीं था जी, धर्म सर गिरेबान में झांकी है बोलने के पास मैं बता, अरे मिश्रा जी जरा किसी दूसरे को भी बोलने देंगे, संवैधानिक तरीके से डिबेट को ये संविधान लागू कीजिए, डिबेट में जरा असंवैधानिक बात मत करिए। हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर एके मिश्रा जी हैं, स्वागत है सर आपका। एके मिश्रा साहब, आज से आपसे ही करना चाह रहा हूं, पिछले 5-6 ऐसे घटनाएं, ऐसे वाकई जो कि सामने आए जिसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर और मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार भी उसमें शामिल हो सकता है, ये ऐसी घटनाएं सामने रही और इससे पहले भी बेशतर वक्तन फोक्तन सामने चीजें आती रही हैं। सवाल यह है कि जब जनता एक ही दिन के लिए मालिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो फिर हम डेमोक्रेसी का ढोंग क्यों करते हैं? देखिए जब्बार, आपका जो सवाल है ना, ये आदर्शवाद के ऊपर आपने सवाल पूछा है, और अगर उसी आइडियोलॉजी पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। जैसे आपने बोला कि अभी ये चर्चा चल रही थी, ये कानून बनना चाहिए था, वो कानून बनना चाहिए था, मैं बोलता हूँ 70 सालों के बाद आपको ये याद आया, चलिए देर आए सही आए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत सारे कानून बन जाने चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, मैं फेवर करता हूं, मैं बोलता हूं इसके साथ साथ 70 सालों में समान नागरिक अधिकार का भी कि सारे नागरिक बराबर हैं ये कानून भी होना चाहिए। मैं आदर्शवाद की परिकल्पना कर रहा हूं जिसपे कि आपका ये मुद्दा है। हाँ, विभिन्न धर्मों को, एक किसी को माइनॉरिटी किसी को मेजॉरिटी, वो चीज भी समान हो जाने चाहिए, कितनी चीजें समान हो जाने चाहिए, हर जगह राइट टू रिकॉल की अगर बात चल रही है, केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं, एक आईएएस ऑफिसर है, एक जज है, कोई भी है, अगर वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको भी राइट टू रिकॉल, अगर बात हम ये करें कि जनता के हाथ में ही सारी सत्ता केंद्रित हो, सवाल यहाँ पे ये होने को तो हो जाना चाहिए। कोई न कोई, किसी न किसी ने अब शुरू किया है, जिन्होंने ट्वीट किया, जो विरोध कर रहे हैं वो शायद उसकी आंच, जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे, जो कुआं खोदा था उसी में वो खुद गिर रहे हैं, तो अब याद आ रही है। उदाहरण आप मुझसे मत बुलवाइएगा, मैं इसीलिए किसी एक उदाहरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें सारी पार्टियां ही इसमें कहीं ना कहीं एक ही हमाम में नजर आ रही है, चाहे पहले कांग्रेस का दौर रहा हो या मौजूदा वक्त में कुछ वर्षों से एक अलग अंदाज में चीजें देखने की मिल रही हो, लोगों के अपने अपने तर्क, अपनी अपनी मिसालें हो सकती है, मगर अब वक्त क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ी सी व्यवस्था में तब्दीली आनी चाहिए? देखिए व्यवस्था में, मैं आपको बताऊं, व्यवस्था में तब्दीली तो हम 70 साल से कर रहे हैं, यहाँ पे जो चूक है ना हमारी, हमारे जनता जो वोटर है, हाँ मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, यही वोटर परेशान रहते हैं 5 साल तक, लेकिन जब वोट देना होता है तो एक दिन में पता नहीं उनके दिमाग में ऐसे क्या थॉट आ जाते हैं, उनको पता है, हर वोटर को अपने इलाके के, अपने एरिया के नेता के बारे में पता रहता है, तो वहां पे वो क्यों वोट देते हैं, उसको क्यों सेलेक्ट करते हैं, उसके बावजूद भी उसी को देते हैं और बात लाना जरूर। देखिए कानून की किताबें भरी पड़ी हैं, मैं आपको बता दूं, मर्डर 70 साल से हो रहे हैं, रेप, अभी उदाहरण देखिए ना, रेप होते चले जा रहे हैं, लूटमार होती चली जा रही है, कानून बना दीजिए, इतनी किताबें हजारों भरी हैं, एक किताब और बना दीजिए, मेन है अगर जनता जागरूक है तो किसी कानून की जरूरत नहीं है। उसकी प्रक्रिया में नोटा तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा ना? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 1% 0.1% 0.5% एक वोट से भी सरकार बन जाती है, सरकार गिर जाती है। नोटा का प्रयोग जहां पिछली बार हुआ है, ये सारे विश्लेषकों ने माना कि अगर इतना नोटा यूज नहीं हुआ होता तो एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाती, वो हारती है। लेकिन मेरा सवाल ये कि मिश्रा साहब, कि नोटा के प्रयोग से तो आपने किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं किया, उसमें यह कि वो लोग जो है, जो कैंडिडेट सामने है आपकी निगाह में, वो दोनों सुटेबल नहीं थे, इसलिए आपने नोटा का उपयोग किया। सवाल ये है कि उन लोगों को राजनीति में जगह ना मिले, कोई वो कैसे हटाएंगे? कोई एक टूल या टेक्निक जब होता है तो उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखिए ना, आपने किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन आपने एक कैंडिडेट को डिसलेक्ट तो कर दिया, हरा दिया, एवेज में दूसरा कैंडिडेट जीत गया, तो उसके इंपैक्ट को देखिए ना, किसी टूल का इंपैक्ट कहां कहां जाता है, ये उसका जरूर फायदा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उसका पूर्ण रूप से उसका नतीजा है कि अगर इलाके के लोग नहीं चाहते कि ये दोनों ठीक नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, उनकी जगह पर बेहतर कैंडिडेट आए, ये व्यवस्था कैसे बन सकती है? सिस्टम और टूल हमेशा जिस हाथ में रहता है उसी हिसाब से काम करता है। केवल एक ही चीज है, मैंने बोला जनमानस जब जागरूक हो जाएगा, चुनाव आने के पहले सारे लोग भाई भाई रहते हैं, चुनाव आते ही कहीं फतवे जारी होंगे, कहीं कुछ जारी होने शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने उठाया है, इसी चीज को मैंने उठाया है। ठीक है,
इसीलिए मैंने कहा कि व्यवस्था बेहतर होनी जरूरी है ताकि ऐसे लोगों की एंट्री उन जगहों पर ना हो सके जहां से देश चलाया जाता है, जहां से राज्य चलाया जाता है, जहां से जनता के का एग्जाम्पल दिया था 33 विधायकों को तोड़ जाने का। ठीक है, बहुत सारे हैं, 7-8 पिछले नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, 2016 से 8 है, उससे पहले बेशुमार है। जब एक वोट से सरकार गिरी, एक वोट से सरकार गिरी थी, ठीक है। मिश्रा जी चुप बैठे हैं। नहीं नहीं, अजय अरोड़ा जी, मैंने शुरू में इसीलिए कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां इस हमाम में एक ही तरीके से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर सिर्फ अटैक इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि वो सारी पार्टियां एक जैसी दिख रही हैं। तो कांग्रेस ज्यादा पीड़ित रही है, इसलिए कांग्रेस महसूस इस बात को करती भी है। और अरोड़ा साहब इसलिए वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि जितना पीड़ित कांग्रेस रही है कोई राजनीतिक दल नहीं रहा उससे। नहीं तो जितना पीड़ित अभी तक रही है तो कांग्रेस लंबे वर्षों तक रही है। हमारी बड़ी वर्षा है, ये बड़ी वर्षा है ना। जितना शासन कांग्रेस ने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ कि लंबे वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही है, फायदा भी कांग्रेस ने उठाया। पुरुषार्थ था, ठीक है, ये वाइस वर्षा है, केवल पीड़ित मत सुख और पीड़ा दोनों देखिए। ठीक है भाई। और दूसरे हमारे मिश्रा जी कह रहे थे ये कांग्रेस का नुकसान है या बीजेपी का ज्यादा नुकसान है, कांग्रेस ने ज्यादा शासन राज किया है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही मतलब क्षति है जो ये पार्टी के नफा नुकसान में वोटर के वोट को, जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया राजा के बराबर, एक वोट का अधिकार है जो राजा को है वही एक आम आदमी को है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और जब रक्षक भक्षक बन जाए, तब घातक नहीं था जब मायावती जी ने 2.5 साल राज करके, जब 2.5 साल मैं सोच रहा हूं कि धर्म में बाबा साहब का संविधान आपके ऊपर लागू नहीं था जी। धर्म गिरेबान में झांकी है बोलने के पास मैं बता। अरे मिश्रा जी जरा किसी दूसरे को भी बोलने देंगे, संवैधानिक तरीके से डिबेट को ये संविधान लागू कीजिए, डिबेट में जरा असंवैधानिक बात मत करिए। और बहन कुमारी मायावती जी ने इन फिरका प्रस्त ताकतों को हराने के लिए जो देश को एक लाइन लेकर के जो तोड़ने का काम फिरका प्रस्त ताकतों भाइयों को रखने के लिए आप करते रहेंगे, ताकतों को आप सरकार गिराने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने उस सरकार को गिरा दिया, एक बात। और दूसरी बात, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग अभी आपस में लड़ रहे थे, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बारी बारी से इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। लोकतंत्र इस देश के लोगों को ठगने का काम किया है पार्टी की तरफ से, बहुत सारे पैसे लिए गए। ये महाठग है, मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं। 100-100 करोड़ में ये विधायक खरीद रहे हैं मध्य प्रदेश में, 500 करोड़। हम किसी राजसभा के सांसद में हम किसी एक विधायक पर नहीं जा रहे, ये जो पैसे कानून से इनका पेट बीजेपी और कांग्रेस ठीक है। धर्मवीर साहब, अजय जी एक सेकंड, धर्मवीर साहब सवाल ये कि इन तमाम चीजों, इन स्थितियों परिस्थितियों में फिर क्या होना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को और ज्यादा मजबूत और निष्पक्ष होना पड़ेगा? क्या चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा और ज्यादा पावर, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट या को अदालतों के तर्ज पर कुछ उसे मजबूत और करने की जरूरत होगी? कैसे होगा फिर? देखिए जब्बार, जितने भी इंस्टीट्यूशन है मैं बात करता हूँ, बात घूम फिर के वही आएगी जहाँ मैंने शुरू में बोला था। चुनाव आयोग ने सारी लिमिटेशंस लगा के रखी है कि इससे ज्यादा आप पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन आप देखिए ब्लैक फॉलो कहां हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं अब इसका सलूशन क्या है। जो अभी ये विधायक गए हैं सब टूट के जा रहे हैं, इसके लिए देखिए एक फैक्टर रुख सीधे कर लेते हैं अमित शाह की तरफ, जो कि राज्यसभा में दिल्ली दंगों को लेकर के जवाब दे रहे हैं।